दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं इंटरिम डिविडेंड के बारे में। देखिए दोस्तों, अभी अपन ने डिस्कशन किया कि सर फाइनल डिविडेंड क्या होता है, ये डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकेटल स्टैंडर्ड 3 क्या बोलता है वो भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, और अब अपन जो अगले कॉन्सेप्ट में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है इंटरिम डिविडेंड। अब अपन जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो बात अपन कर रहे हैं इंटरिम डिविडेंड के बारे में कि सर इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, अब अपन उसके बारे में विचार करेंगे। तो देखिए इंटरिम डिविडेंड, आपको एक बात ध्यान में रखनी कि सर इंटरिम डिविडेंड का मतलब क्या होता है। देखिए जब भी आपकी कंपनी की कोई भी बोर्ड मीटिंग होती है, जब भी आपकी कंपनी की क्या होगा कि जब भी आपकी कंपनी की कोई भी बोर्ड मीटिंग होगी तो उस बोर्ड मीटिंग के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास करते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या पास करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास करते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके क्या करते हैं, जो आपकी कंपनी का प्रॉफिट होता है उस कंपनी के प्रॉफिट में से वो लोग आपके शेयर होल्डर्स के लिए इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं। तो हमारे को ये बात ध्यान में रखनी है कि सर जो फाइनल डिविडेंड होता है वो फाइनल डिविडेंड तो कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग होता है उसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके दिया जाता है। जबकि यदि मैं बात करता हूं इंटरिम डिविडेंड के लिए तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि सर जो इंटरिम डिविडेंड होता है वो इंटरिम डिविडेंड बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके ही दिया जाएगा। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। देखिए यहां पे लिखा हुआ भी है, यहां पे लिखता है कॉन्सेप्ट हमारे को व्हेन द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करा जाएगा बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिटवीन द टू एजीएम, बिटवीन द टू एजीएम। सर इसका मतलब क्या हुआ, बिटवीन द टू एजीएम का मतलब पता था। देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है बिटवीन द टू एजीएम के लिए, कॉन्सेप्ट ये कह रहा है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अपन रफ कर लेते हैं इसको। देखिए बिटवीन टू एजीएम का मतलब क्या कहता है, सपोज करिए मेरी एक एजीएम यहाँ पे होती है एजीएम वन, ठीक है, और एक मेरी एजीएम कहाँ पे होती है, एक मेरी एजीएम यहाँ पे होती है एजीएम टू, ठीक है। अब इस एजीएम वन से लेकर एजीएम टू तक के बीच का जितना समय है, मतलब कि कंप्लीट एक फाइनेंशियल ईयर ऑलमोस्टली हमारे को यहाँ पे मिल जाता है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली एक फाइनेंशियल ईयर हमारे को मिल गया। तो आपको ये बात समझनी कि सर इस पॉइंट ऑफ टाइम से, मतलब इस एजीएम वन के हो जाने से लेकर इस एजीएम टू की जो ड्यू डेट आएगी उसके बीच तक में कभी भी यदि आपकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग कॉल करके और बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके यदि कोई डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो सर वो डिविडेंड हमारा कौन सा कहलाएगा, वो डिविडेंड हमारा इंटरिम डिविडेंड कहलाता है, ठीक है। तो इंटरिम डिविडेंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अपन ने अभी थोड़ी देर पहले फाइनल डिविडेंड की बात करी, होप आप लोगों को फाइनल डिविडेंड भी क्लियर हुआ होगा। चलिए दोस्तों अब अपन बात करते हैं आगे, ऑल द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड शैल बी एप्लीकेबल ऑन द इंटरिम डिविडेंड ऑल्सो। इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर जो हमने फाइनल डिविडेंड के लिए प्रोविजंस कल डिस्कस किए थे या जो हम फाइनल डिविडेंड के लिए और प्रोविजन अपने आगे के इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे, सर वो सारे प्रोविजन, ऑल द प्रोविजन, वो सारे के सारे प्रोविजन आपके कहां पे एप्लीकेबल हो जाएंगे, वो सारे के सारे प्रोविजन आपके एप्लीकेबल हो जाते हैं, आप ध्यान में रखिएगा, इंटरिम डिविडेंड पर। इसका मतलब क्या हुआ कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजंस को लेकर इंटरिम डिविडेंड में और फाइनल डिविडेंड दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी डिफरेंस नहीं माना गया है, इसका मतलब ये निकला, ठीक है। चलिए दोस्तों अब उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं पिक्चर के अंदर। सर जब अपन पिक्चर के अंदर आगे बढ़ते हैं तो सर हम यहां पर देख रहे हैं कि जो हमारा अगला टॉपिक है वो अगला टॉपिक हमारा है सोर्सेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, कि सर जब अपन डिविडेंड का डिक्लेरेशन करते हैं तो सर डिविडेंड का डिक्लेरेशन करने के लिए हमारे को कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से हम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। दोस्तों बहुत यूनिक चीज है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा कि सर हम कहां कहां से जो है वो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहां पे अपन देख रहे हैं सर सोर्सेज, कि सर कौन कौन से सोर्सेज हैं जिन सोर्सेज से हम क्या कर सकते हैं, जिन सोर्सेज के माध्यम से हम जो डिविडेंड है वो डिविडेंड हम यहां पर डिक्लेयर कर सकते हैं, वो अपन यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। सर क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड ओनली आउट ऑफ, मतलब कि जो डिविडेंड है वो डिविडेंड कहां से डिक्लेयर किया जा सकता है, डिविडेंड डिक्लेयर करने का रास्ता क्या है। तो देखिए डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास में दो रास्ते हैं। सर पहला रास्ता मैं ये वाला पकड़ता हूं और सर दूसरा वाला रास्ता मैं ये वाला पकड़ता हूं। अपने पास में दो रास्ते हैं, इन दोनों रास्तों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, दोनों रास्तों के माध्यम से हम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सर अपन पहले वाले रास्ते पे चलते हैं, जो ये वाला रूट है। सबसे पहला क्या बोलता है, Profits for that year arrived at after providing for depreciation. इसका मतलब क्या निकला? इसका ये मतलब निकला कि सर जो आपका current year का जो profit है, सर current year का जो आपका profit है,
उस करंट ईयर के प्रॉफिट में से आप क्या कर देंगे, उस करंट ईयर के प्रॉफिट में से आप डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे। कर दिया, करंट ईयर का जो प्रॉफिट है उस करंट ईयर के प्रॉफिट में से आप क्या करेंगे, सबसे पहले डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे। आपने डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया, अब डेप्रिसिएशन को लेस करने के बाद में मेरे पास में जो भी वहां पे अमाउंट आया वो अमाउंट मेरा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। वो अमाउंट मेरा क्या कहलाया, वो अमाउंट मेरा कहलाया डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। और वो जो अमाउंट मेरा एक्स वाई जेड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कमाया कहलाया, उस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को मैं क्या कर सकता हूं, शेयर होल्डर्स के बीच में एज डिविडेंड डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है, तो मेरे पास में पहला सोर्स क्या हुआ, मेरे पास में सबसे पहला सोर्स हुआ जो मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट है, उस करंट ईयर के प्रॉफिट में से मैं डेप्रिसिएशन लेस करूंगा और उसको डेप्रिसिएशन को मतलब प्रोविजन करने के बाद में फिर जो मेरे पास में पैसा बचेगा वो पैसा मैं यूटिलाइज करूंगा। किस पर्पज के लिए, डिविडेंड देने के पर्पज से। ये हुआ हमारा पहला। सर दूसरा भी कोई है, करंट ईयर में प्रॉफिट नहीं है तो सर क्या करें, क्या हम पास्ट ईयर के जो प्रॉफिट है सर हम उसको काम में ले लें? यस यस आप ले सकते हैं। क्या लिखा है, आउट ऑफ प्रॉफिट्स फॉर एनी प्रीवियस ईयर और ईयर्स अराइव्ड एट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या हुआ, अभी अपन ने इधर करंट ईयर लिया था ना दोस्तों, अब इधर अपन ले लेंगे पास्ट ईयर। इधर अपन क्या ले लेंगे, पास्ट ईयर, और पिछले साल के जो भी हमारे पास में प्रॉफिट्स अवेलेबल होंगे उनमें से हमारे को क्या लेस करना है, डेप्रिसिएशन लेस करना है। हमने डेप्रिसिएशन लेस कर दिया, उसके बाद में अगेन मेरे पास में वही सेम एक्स वाई जेड अमाउंट आएगा, तो मेरे पास में जो एक्स वाई जेड अमाउंट आएगा मैं उसको क्या करूंगा, मैं उसको यूटिलाइज कर सकता हूं यहां पे। किस पर्पज के लिए मैं उसको यूटिलाइज कर सकता हूं, यहां पे डिविडेंड देने के पर्पज से। एक तरीका मेरे पास में यह आता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद में आगे क्या बोलता है, उसके बाद में मेरे पास में यहां पे एक मेथड दिया हुआ है, आउट ऑफ बोथ लिखा हुआ है, आप यहां पे देख रहे हैं। आउट ऑफ बोथ का मतलब क्या हुआ, जो बॉक्स नंबर ए है और जो बॉक्स नंबर बी है इन दोनों बॉक्सेस को भी मिलाकर मैं डिविडेंड दे सकता हूं। इसका मतलब समझा, इसका मतलब मैं ये समझा कि सर मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट प्लस मेरा जो पास्ट ईयर का प्रॉफिट है मैं वो दोनों ले लूंगा, लेकिन उसमें से जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा और जो लास्ट ईयर का मेरा डेप्रिसिएशन होगा मेरे को उसको क्या करना पड़ेगा, मेरे को उसको घटाना पड़ेगा। तो आउट ऑफ बोथ का मतलब क्या हो गया कि मैं कुछ प्रॉफिट मेरा करंट ईयर का ले सकता हूं और कुछ प्रॉफिट मैं मेरे पास्ट ईयर का ले सकता हूं जो यहां पे मैंने आपको बताया, और उन दोनों में से आप क्या करोगे, उन दोनों में से आपको डेप घटाना पड़ेगा। जब उन दोनों में से आप डेप घटा दोगे तो उसके बाद आपके पास जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को आप डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहोगे, जिसको कि आप अपने शेयर होल्डर को एज ए डिविडेंड बांट सकते हो। ठीक है, क्लियर यहां तक की बात। यह तो हुआ पहला मेथड। सर दूसरा मेथड क्या है, सर दूसरा मेथड क्या है, सर दूसरा मेथड आता है आउट ऑफ मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सीजी का मतलब हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट और एसजी का मतलब हो गया स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड। कि यदि मान लीजिए कि डिविडेंड देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है सपोज करिए उसने कोई गारंटी दे रखी, नीचे वाले ग्रीन बॉक्स में लिखा है, लिखा है इन रिलेशन टू अ गारंटी गिवन बाय दैट गवर्नमेंट। तो यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने शेयर होल्डर्स को यदि गारंटी दे दी, सर किस बात की गारंटी दे दी दोस्तों, इस बात की गारंटी दे दी कि कंपनी तुम्हें डिविडेंड नहीं देगी तो हम देंगे। गवर्नमेंट क्या करिए शेयर होल्डर्स को, बोले तुम्हें यदि कंपनी डिविडेंड नहीं देगी तो डिविडेंड कौन देगा, हम, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट देगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट ने हमें जो मनी प्रोवाइड कराई है फॉर विच पर्पज, फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविडेंड, हम उस मनी को भी काम में ले सकते हैं। सेकेंड मेथड मेरे पास में, सेकेंड तरीका मेरे पास में ये आता है। समझ गए अपन बात यहां तक की, कि हमारे पास में सोर्सेस कौन कौन से हुए। पहला सोर्स हो गया हमारे पास में करंट ईयर का प्रॉफिट, उसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर दिया। दूसरा तरीका हो गया हमारे पास में बैक ईयर्स के जो प्रॉफिट है उनमें से हमने डेप्रिसिएशन लेस कर दिया, या हम दोनों तरीके भी जो है वो काम में ले सकते हैं। और एक तीसरा तरीका हमारे पास में आता है कि सर जो हमारे को सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने जो हमारे को गारंटेड अमाउंट बोला है डिविडेंड देने के लिए, वो पैसा भी यदि गवर्नमेंट हमारे को देती है तो उसका भी हम यूटिलाइजेशन फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड अंडर सेक्शन 123 सब सेक्शन 1 के अंदर हम कर सकते हैं। ये हमारे पास में यहां पे तरीका अवेलेबल है। समझ गए आप मेरी बात, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद में दोस्तों अपन जो यहां पे डिस्कशन कर रहे हैं नेक्स्ट, अब वो नेक्स्ट पॉइंट अपन यहां पे डिस्कशन कर रहे हैं सर सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड नंबर 3 क्या बोलता है। अब अपन किस पे बात करेंगे, अब अपन बात करेंगे कि सर जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड नंबर 3 है ICSI का, Institute of Company Secretaries of India का, जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड नंबर 3 है सर वो क्या बोलता है। देखो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड नंबर 3 क्या बोल रहा है दोस्तों समझिएगा,
कंपनी शैल नॉट डिक्लेयर इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस, कंपनी शैल नॉट डिक्लेयर डिविडेंड इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। डिपॉजिट्स के प्रोविजन की मैं बात करूं तो डिपॉजिट्स के जो सेक्शन है 73 से लेकर 76 तक डिपॉजिट ही डिपॉजिट के प्रोविजन आपको देखने में आते हैं। तो जो 73 से लेकर 76 तक आपको डिपॉजिट ही डिपॉजिट के प्रोविजन देखने में आते हैं, जब तक आपने इन प्रोविजंस की कंप्लायंस नहीं कर ली है तब तक आप ध्यान में रखना कि आपकी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाएगी। यदि किसी कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हैं, डिपॉजिट जनता से आपने डिपॉजिट लिए, पब्लिक से आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए, आपने अपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट किए, तो उन डिपॉजिट्स के जो प्रोविजन है, जब तक आपकी कंपनी उन डिपॉजिट्स के प्रोविजन जो सेक्शन 73 से लेकर 76 तक में बताए गए कंपनीज एक्ट 2013 में, जब तक आप उनकी कंप्लायंस नहीं कर लेते हो तब तक आपकी कंपनी डिविडेंड का डिक्लेरेशन नहीं कर सकती। प्रोहिबिट कर दिया है हमारे को कहां पे, सेक्टोरल स्टैंडर्ड 3 हमारे को मना कर रहा है, कहता है पहले डिपॉजिट के प्रोविजन की कंप्लायंस करो, तो हम चेक कर लेंगे कंप्लायंस करी कि नहीं करी। दोस्तों दूसरा क्या बोलता है, डिविडेंड शैल नॉट बी पेड टिल सच टाइम द डिपॉजिट एक्सेप्टेड हैव बीन रीपेड विद इंटरेस्ट। ओ माय गॉड, यानी कि इन्होंने क्या लिखा कि आप डिविडेंड उस समय तक नहीं दे सकते, टिल सच टाइम, आप उस समय तक, देखिए आप क्या लिखा हुआ है प्रोविजन, क्या आप डिविडेंड उस समय तक नहीं दे सकते हो जब तक कि आपकी कंपनी ने जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करे थे उनका आप विद इंटरेस्ट विद ब्याज आपने पेमेंट नहीं कर दिया। बस कितनी बड़ी बात है, मतलब सेक्टोरल स्टैंडर्ड 3 कितना खतरनाक हो गया कि यानी कि वो हमारे को क्या बोल रहा है, वो हमारे को कह रहा है कि बोले भाई साहब कंपनी ने क्या करा है, बोले कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिए, कर लिए, अब डिपॉजिट का पेमेंट करो, डिपॉजिट के ब्याज का पेमेंट करो, इंटरेस्ट का पेमेंट करो, और उसके बाद में फिर आपकी कंपनी क्या कर पाएगी, आपकी कंपनी डिविडेंड का पेमेंट कर पाएगी, अन्यथा सेक्टोरल स्टैंडर्ड नंबर 3 बोलता है बोले नो डिविडेंड, कोई डिविडेंड का पेमेंट आपके लिए नहीं होगा। खतरनाक चीज बताई। चलो आई होप कि यहां तक समझ में आपको आया होगा। उसके बाद में अब अपन आगे चलते हैं, इसमें लिखा है, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर किए देता हूं, देखिए यहां पे लिखा गया है, यहां पे बोल रहा है अ कंपनी शैल आल्सो नॉट डिक्लेयर, ध्यान से समझिएगा, अ कंपनी शैल आल्सो नॉट डिक्लेयर एनी डिविडेंड इफ इट हैज डिफॉल्टेड, इफ इट हैज डिफॉल्टेड। दो बात कि सर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी, नंबर एक बात, और सर कंपनी ये दूसरी कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि सर यदि कंपनी ने डिफॉल्ट किया हो तो, सर डिफॉल्ट किया हो तो, सर कौन सा वाला डिफॉल्ट कंपनी ने किया हो, तो यहां पे देखो कौन से वाले डिफॉल्ट की बात कर रहा है, वन मिनट, यहां पे कौन से वाले डिफॉल्ट की बात कर रहा है दोस्तों, यहां पे पढ़िएगा कौन सा डिफॉल्ट कह रहा है। देखो सबसे पहले जो डिफॉल्ट आपको बोल रहा है, यहां पे सबसे पहले डिफॉल्ट देखने में आ रहा है, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। देखो सबसे पहला जो डिफॉल्ट हमारे को देखने में आता है वो है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयर ऑन। सबसे पहले यहां तक पढ़ो, यानी कि कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने डिबेंचर्स का रिडम्पशन करने में, कंपनी ने डिबेंचर्स का रिडम्पशन करने में क्या कर दिया, गलती कर दी। कंपनी ने डिबेंचर्स का रिडम्पशन करने में क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया। तो यदि कंपनी ने डिबेंचर्स का रिडम्पशन करने में डिफॉल्ट कर दिया होगा ना, और दूसरी मजेदार बात सर उनका इंटरेस्ट का पेमेंट करने में भी डिफॉल्ट कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, क्या कंपनी डिविडेंड का पेमेंट कर पाएगी क्या मेरे दोस्त, डिविडेंड का पेमेंट कंपनी नहीं कर पाएगी। यानी कि यदि आपका डिबेंचर का रिडम्पशन बाकी है, उसके ब्याज का रिडम्पशन बाकी है, इंटरेस्ट का रिडम्पशन बाकी है, तो सबसे पहले आप उसको पेमेंट करिए, और जब आप उसको पेमेंट कर देंगे उसके बाद में ही कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर पाएगी, एक बात। दूसरा, और क्रिएशन ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ओहो सर DRR क्रिएट करना था, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना था, ओहो हो किया ही नहीं सर, कंपनी ने गलती कर दी। क्या गलती कर दी सर, कंपनी ने एक और गलती कर दी कि कंपनी ने DRR क्रिएट ही नहीं किया। ओ माय गॉड, गलती होगी सर कंपनी से, तो यदि कंपनी ने भी वहां पे क्या होगा कि कंपनी ने भी वहां पे यदि DRR क्रिएट नहीं किया ना, कंपनी ने DRR क्रिएशन में गलती कर दी, तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाएगी। तो पहला डिफॉल्ट क्या पढ़ा अपन ने, अपन ने पहला डिफॉल्ट पढ़ा कि सर कंपनी ने डिबेंचर इशू किए थे, डिबेंचर का रिडम्पशन करने कंपनी ने करने में डिफॉल्ट कर दिया, कंपनी ने उसका इंटरेस्ट का पेमेंट करने में डिफॉल्ट कर दिया, और तीसरा नंबर अपन ने क्या करा, तीसरा नंबर अपन ने DRR ही क्रिएट नहीं किया, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, पहली गलती।
कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर पाएगी? नहीं, नहीं कर पाएगी। नंबर वन गलती। नंबर दो गलती क्या हो सकती है? ओहो, ये तो अभी बताया, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और द क्रिएशन ऑफ सीआरआर, ऊपर डीआरआर तो नीचे सीआरआर, मतलब कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू करे, बात समझिए, कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू करे, रिडेम्पशन का टाइम आया मेरे दोस्त। अच्छा, एक सवाल पूछता हूं आपसे, चलो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि जब भी कंपनी क्या करती है कि जब भी कंपनी मान लीजिए कि प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी तो प्रेफरेंस शेयर्स का मैक्सिमम रिडेम्पशन का समय क्या होगा, मेरे को आप बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सर प्रेफरेंस शेयर्स जब कंपनी इशू करती है तो उनका रिडेम्पशन का जो मैक्सिमम टाइम है, रिडेम्पशन करने का जो मैक्सिमम टाइम है वो क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं देखता हूं कि किस किस स्टूडेंट का आंसर सही होता है, जनरली बिना देखे आंसर दीजिएगा जो आंसर आपको आता है, ठीक है? तो जो भी हम टाइम, चलिए देखते हैं, मैं मेरे वीडियो में नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन करने का समय कितना होता है। अभी मैं एक्स समय मान लेता हूं, ठीक है, अभी मैं एक्स समय मान लेता हूं, तो जो भी एक्स टाइम है मान लीजिए कि वो टाइम में आपने रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स का नहीं किया, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सर रिडेम्पशन जो आपके प्रेफरेंस शेयर्स का बाकी था सर वो बाकी ही चल रहा है, अभी तक आपने प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल को रिडीम करा ही नहीं है, यानी कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आज की तारीख में क्या है सर, आज की तारीख में पेंडिंग चल रहा है सर, ड्यू चल रहा है। ओ माय गॉड। और सर दूसरी बात, डिविडेंड भी सर उस पे बकाया चल रहा है। ओहो, तो भाई साहब समझ लो, क्या पहले पेमेंट करो, किसका? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, एक बार, दूसरा उस पे जो डिविडेंड बकाया है उसका, और तीसरी मजेदार बात साथ में ये भी चेक करो कि क्या कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन करने के पर्पस से सीआरआर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाया है कि नहीं बनाया। ऊपर डिबेंचर में क्या चेक करा था, सीआरआर की डीआरआर, बोलो जल्दी, डीआरआर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। नीचे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्या चेक करा, बोलो डीआरआर की सीआर, बोलो सीआरआर, बोलो सीआरआर, समझ गए मेरी बात, अगले भाषण में सीआरआर यानी कि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है? अच्छा, तीसरा क्या कहता है, ओहो, पेमेंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन द करंट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, मतलब भाई साहब कितने गंदे आदमी हो यार, बहुत ही गंदे आदमी हो, मतलब कतई यार, मतलब हद, क्या लिख रहे हो, मतलब पेमेंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन द प्रीवियस और करंट फाइनेंशियल ईयर, ओहो, इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर में डिक्लेयर होगा, माता का होगा नहीं अभी तुम मेरा, जो बोले कहां से आएगा, इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर में डिक्लेयर होगा, तो बोले साहब या तो इंटरिम डिविडेंड का पैसा पका है और या हमने पास्ट ईयर के अंदर या हमने लास्ट ईयर के अंदर सर कोई फाइनल डिविडेंड यदि हमने डिक्लेयर करा था या हमने लास्ट ईयर के अंदर भी कोई इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करा था उसका भी पैसा यदि कोई बकाया है तो पहले क्या करना है, पहले उसका पेमेंट करो, मतलब तुमने अपने पुराने पापों की सजा भुगती नहीं, तुम नए पाप कर लो, नहीं नहीं करने देंगे। सरकार क्या कहती है, पहले पुराने पाप धो जाके, पुराने पाप कौन से धोने, पुराने पाप जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको वो सारे पुराने पाप आपको धोने, कौन से वाले पुराने पाप धोगे, सर पिछले साल का या करंट ईयर का हमने कोई डिविडेंड डिक्लेयर करा था लेकिन आज तक हमने पेमेंट नहीं किया, सबसे पहले पेमेंट करो, अभी करो, अभी पहले पेमेंट करो तब नया डिविडेंड डिक्लेयर करना। गवर्नमेंट कहती है तुम पहले वाला डिविडेंड डिक्लेयर करा था, पेमेंट नहीं किया ना, अभी भी तुम डिविडेंड डिक्लेयर करोगे ना, अभी भी तुम्हारी नियत में गंदा खोट है, चोर है तुम्हारी नियत में, तुम अभी भी डिविडेंड जो है वो पेमेंट नहीं करोगे, तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे बोलता है डिविडेंड जो पिछले साल का या करंट ईयर का भी कोई आज तक का बकाया है तो सबसे पहले उसको पेमेंट कर डालो। तो हमने क्या सीखा अभी तक, हमने तीन पॉइंट पढ़े सर, पहला पढ़ा हमने कि सर यदि कंपनी ने जो है वो क्या करा है, रिडेम्पशन नहीं किया डिबेंचर्स का, उस पे ब्याज का पेमेंट नहीं किया सर, डीआरआर क्रिएट नहीं किया, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रिडेम्पशन नहीं किया, कंपनी ने डिविडेंड का पेमेंट नहीं किया, कंपनी ने सीआरआर नहीं बनाया, कंपनी ने पिछले साल के या फिर करंट ईयर का जो डिविडेंड था उसका पेमेंट नहीं किया, तो कंपनी क्या डिविडेंड डिक्लेयर इस साल कर पाएगी मेरे दोस्त? नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, ठीक है? लास्ट, रिडेम्पशन ऑफ एनी टर्म लोन टू अ बैंक, यदि मान लीजिए कि किसी बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कोई टर्म लोन का पेमेंट करना था नहीं किया, ओहो बैंक वाले रोज आते हैं, बैंक वाले रोज आते हैं और गाना क्या गाते हैं, आह आजा अब तो आजा, आह आजा अब तो आजा, ये गाना गाता है रोज बैंक आपको देख के, कंपनी को देख के, क्यों? क्योंकि हमने कंपनी को क्या दिया है भैया, लोन, हम इंतजार में है, न जाने तुम कब आओगे, तो आ जाओ, तो तुम पहले लोन पेमेंट करो मेरे दोस्त, लोन का रीपेमेंट करो। ओहो तुम ब्याज भी खा गए, माय गॉड, बड़े गंदे आदमी हो,
ब्याज भी खा गए, ब्याज भी नहीं दिया। तो मतलब पहले तुम प्रिंसिपल का पेमेंट करो, फिर भैया टिल डेट तक का जो ब्याज बनता है, जो तुम्हारा इंटरेस्ट बनता है, उसका भी पेमेंट कर डालो मेरे दोस्त। और क्या लिखा है, टिल सच टाइम द डिफॉल्ट इज सबसिस्टिंग। ओ माय गॉड, सपोज करिए 31 मार्च 2021 को मेरा लोन का रीपेमेंट ड्यू हो जाता है, लेकिन मैं क्या करता हूं, सपोज करिए कि यदि मान लीजिए कि मैं 1 अगस्त 2021 तक भी मैंने पेमेंट नहीं किया, तो मेरा ब्याज यहां तक का नहीं, मेरा ब्याज यहां तक की डेट का मेरे को देना पड़ेगा। तो यहां तक की डेट का आपको पहले ब्याज का भी पेमेंट करना है मेरे दोस्त। जब ये 4 डिफॉल्ट तुम्हारे रेक्टिफाई हो जाएंगे, जब तुम्हारे 4 डिफॉल्ट कहीं नहीं तुम्हें नजर आएंगे, तो मेरे दोस्त डायरेक्टर को सलाह देना कि डायरेक्टर करो डिविडेंड डिक्लेयर। आगे क्या बात समझ में अपने को, ठीक है, ओके। तो ये हमने पढ़ा कि सर इंटरिम डिविडेंड, और उसके बाद में कि यदि सर कंपनी कोई डिफॉल्ट करती है, तो डिफॉल्ट करने पर हमारे को विद सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 3 में हमने पढ़ लिया कि कौन कौन से डिफॉल्ट हैं, जिन डिफॉल्ट्स के होने पे कंपनी क्या डिक्लेयर नहीं कर सकती, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर ही नहीं सकती।